सुना है ये वाला इंट्रो बहुत लोगों को पसंद आया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्रिएटर के ब्लॉग। आज हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 11:40 के आसपास। मैं गाड़ी में क्या कर रहा हूँ, ये पीछे लैपटॉप बैग रखा ना, उससे कोई मतलब नहीं है। वो हनी गाय कुछ दिनों के लिए। सो मैं गाड़ी के अंदर हूँ, गाड़ी को ठंडी करने के लिए आया था। ऑब्वियसली बहुत धूप हो रही है, बहुत तगड़ी धूप हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ी एकदम गर्म गर्म हो जाती है। एयर पास करने के लिए मैं वैसे यहाँ पे स्पेस छोड़ता हूँ, लेकिन हनी ने नहीं छोड़ी। हनी ने अभी थोड़े दिन पहले शायद गाड़ी सेट करने आया हुआ, तो उसने सारे लगा रखे थे, मैं छोड़ता हूँ। और ये बहुत गंदा हो रखा है, जिसकी वजह से वो लगाया था ना, वो होता है उसकी वजह से सारा उसका ग्लू एकदम जो चिपकने वाला था वो सब खराब कर दिया विंडो को। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अपना पूरा जो लास्ट, अरे हाँ मेरे को याद आया, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला जो मेरा जो सीरीज के अंदर 3 व्लॉग डाले हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा ना यार, गलत बात। ये लिंक दे रखा है भाई लोग, जाके देख लो। और हो सके तो प्लीज अब लाइक करना स्टार्ट कर दो, शेयर करना स्टार्ट कर दो, और अपनी वीडियोस को जितनी भी है सारी देखो, क्योंकि धीरे धीरे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं और पर वीडियोस के हिसाब से व्यूज भी अच्छे आने लगे हैं। मेरी जो शुक्रताल वाली ब्लॉग थी उसमें भी मतलब काफी अच्छे व्यूज आ रखे हैं, मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। जितने मेरे सब्सक्राइबर्स थे उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे व्यूज है। तो शुक्रताल वाली भी देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट है ना यूट्यूब पे प्रीडेटर के ब्लॉग डाल के देख लो, और उसमें नंबर 4th वाली जो वीडियो आएगी वो शुक्रताल की आएगी, और ये जो ब्लॉग चल रहा है वो है 5th वीडियो। शुक्रताल के बाद 4 वीडियो आ चुके हैं, 3 सीरीज की थी और एक ये जो आज बन रही है। मैं जरा आपको एक और रिपीट दे देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा ही, छोटा सा ही पड़ेगा कि उन 3 सीरीज के अंदर हुआ क्या था। कि वैसे मैं बताना नहीं चाहता, सोच रहा था आप लोगों को बताऊं, लेकिन ताकि आप लोग वो वीडियो देखो ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल मैं छोटा सा एक रिकैप दे देता हूँ। 28 को मैं यहाँ से मुजफ्फरनगर से आगरा गया था, 29 को मेरा पेपर था ग्वालियर में, तो मैं आगरा इसलिए एक दिन पहले पहुंच गया ताकि मैं ग्वालियर आराम से जा सकूं। और फिर ग्वालियर जाके मैंने एग्जाम दिया, मैं वापस सेम डे आगरा वापस आ गया। फिर पापा का फोन आता है कि हमें उज्जैन जाना है, और मैंने पूछा कि क्यों जाना है, तो उन्होंने बोला महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, और नागपंचमी है, तो मेरा मतलब कि मेरी कुंडली में कुछ काल सर्प दोष था, तो उसको भी थोड़ा मतलब उसके लिए भी पूजा करवानी थी, तो उसके लिए हम लोग उज्जैन गए थे। तो अब जैसे ही पापा आए, तो पापा को मैंने पकड़ा आगरा कैंट पे, पापा मुजफ्फरनगर से डायरेक्ट ड्यूटी करके आ रहे थे, और फिर हम लोग साथ में ग्वालियर गए। हमारी जो ट्रेन थी वो ग्वालियर से उज्जैन के लिए थी, आगरा से कोई ट्रेन नहीं थी, तो हम लोग को मतलब कुछ स्टेशन से उतरना पड़ा। फॉर एग्जांपल पापा जैसे मुजफ्फरनगर से चढ़े और ग्वालियर उतरे, मैं आगरा कैंट से चढ़ा ग्वालियर उतरे, फिर ग्वालियर से हमारी ट्रेन चली थी और उसने पहुंचाया था हमें सुबह 5 बजे, क्या कहते हैं उज्जैन। उज्जैन में फिर पहुंचने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि सुबह सुबह हमने पूजा करी जो काल दोष के लिए थी, 2-2.5 घंटे वो चली, और फिर हम लोग जैसे ही हमारी पूजा खत्म हुई, हम पूजा करने के बाद डायरेक्ट है ना महाकालेश्वर के मंदिर चले गए, और वहां पे लगे थे 9 बजे के आसपास लाइन में, और 9 बजे के बाद हमें 2 बजे तक दर्शन मिले। सोचो 9 बजे लग रहे हैं और 2 बजे दर्शन मिल रहे हैं, लगातार खड़ा होना पड़ा, लगातार हमें चलना पड़ा, तो इट वॉज वेरी टफ। मतलब भगवान जी ने हमसे अच्छी खासी तपस्या करवा ली, लेकिन जो तपस्या का फल था ना उनके दर्शन, भाई दिल छू गया, मतलब दिल एकदम बाग बाग हो गया। मुझे बहुत मजा आया, सही बताऊं मुझे बहुत मजा आया। फिर पता चलता है कि जो जैसे कि अगर महादेव महाकालेश्वर का मंदिर है ना ग्राउंड फ्लोर पे, तो जो फर्स्ट फ्लोर पे एक नागचंद्रेश्वर की जो मूर्ति है उधर के भी दर्शन लेने थे। ऑब्वियसली नागपंचमी थी, लेकिन उसकी एक बात है कि वो साल में सिर्फ एक बार उस मूर्ति के दर्शन होते हैं, वो है आपकी नागपंचमी, और जिस दिन हमने दर्शन किया उस दिन नागपंचमी थी लकीली। हालांकि मुझे पता है ये मम्मी का पूरा प्लान्ड था, तो मुझे नहीं पता था उस दिन नागपंचमी है, तो मैं मम्मी ने बोला पापा जाए ना जाए, लेकिन तेरी सुबह पूजा हुई है तो तुझे जाना पड़ेगा, तो मैं फिर से लाइन में लगा। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो वहां का ट्रस्टी था जो मेंटेन कर रहे थे, उन लोगों ने क्या करा, सोचो लिटरली आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन भाई लोग मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले महाकालेश्वर के दर्शन किए और फिर उन्होंने बोला कि वापस जाके लाइन में लगो, स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग पूरा घूम के गया था पूरा जाके लगो, और फिर आपको नागचंद्रेश्वर के दर्शन मिलेंगे। बस ये सुन के मैं थोड़ा मतलब डिमोटिवेट हो गया, मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन स्टिल सोचा कि यार इतनी मेहनत कर ली है और थोड़ी कर लेता, ऑब्वियसली मुजफ्फरनगर से उज्जैन कोई पास में नहीं, इतनी मेहनत करके हम इतनी दूर गए थे और फिर भी एक चीज के दर्शन रह जाते तो क्या ही फायदा। फिर मैंने बोला चलो यार चलते हैं, तो फिर मैं फिर नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए भी गया। वो मैं लगा था ना 2 बजे हम लोग महाकालेश्वर के मतलब हो गए थे, तो 2:30 बजे के आसपास मैं निकल गया था कुछ खा पी के, तो 3 बजे मैं लाइन में लग गया था, मुझे याद है 3 बजे मैं लाइन में लग गया, और शाम के 6 बजे मैं नागचंद्रेश्वर के दर्शन करके मैं फ्री हो गया था। फिर पता चलता है कि भाई कि हमें वापस भी जाना था, क्योंकि भीड़ बहुत थी, रूम्स थे नहीं, कुछ भी नहीं था, तो प्रॉब्लम ये थी कि हम रुके कहाँ,
और ना ही कोई हमारा रिलेटिव्स मतलब ग्वालियर में रहते, तो कोई सहारा भी नहीं था, आश्रय भी नहीं था। पापा ने बोला बेटा एक ही काम कर सकते हैं कि वापस चल लेते हैं आगरा। आगरा हम लोगों को जा सकते थे, ट्रेन से जा सकते थे और बाय बस भी जा सकते थे। बस के सिर्फ एक सीट बची थी, अब मैं अकेला जाऊँ पापा को अकेला छोड़ दो तो चलता नहीं। तो पापा ने बोला एक काम करते हैं, यहाँ से कहीं और चलते हैं ट्रेन और वहां से अपनी इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ लेंगे, जिसे वो आगरा उतार दी एकदम एक्यूरेट टाइम पे। और वैसे ही उस ट्रेन ने हमें एक्यूरेट टाइम पे उतारा भी। फिर हम लोग पहुंच गए अपने वापस घर आगरा, सारे दर्शन करके उज्जैन के एकदम सक्सेसफुल होके बढ़िया तरीके से दर्शन किए थे भाई, मजा आ गया था। आगरा पहुंचने के बाद पापा क्या थे अगले दिन चले गए थे और फिर मैं आगरा थोड़े दिन के लिए और रुका, मेरे को कुछ काम था पर्सनल, तो वो काम करने के बाद मैं कल वापस आया मुजफ्फरनगर। तो ये थे वो तीन सीरीज की पूरी ट्रिप। आई होप कि आप लोगों ने वो देख रखी हो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ऊपर लाइन लिंक दे रखा है, तो पहले उसको जाके देख लो यार, सीरीज बहुत मस्त थी, हमने बहुत मेहनत करी थी। पहली मैं ग्वालियर था, सेकंड मैं उज्जैन के इन की थी, हमने कैसे एंट्री करी और कैसे दर्शन किया, और सेकंड में हम लोगों ने जितने दर्शन थे उनकी एंडिंग दिखाई थी और कैसे हम वापस आए। तो मैं बहुत दो तीन महीने से मैं बहुत ज्यादा घूम चुका हूँ, मैं बहुत लिटरली बहुत ज्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ, अब मैं थक गया हूँ, तो अब मैं करूँगा रेस्ट और मैं गाड़ी के अंदर आया हूँ ताकि मम्मी और हनी को, एक्चुअली हनी के भी कल एग्जाम्स, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए जितने भी सारे एग्जाम से कल फ्री हुआ है, बोल रहा है कि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक मैं करूँगा मौज। और मौज करने के लिए जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है तो हमारे पास तो एक ही सहारा है, हम लोग, मैं नहीं जा रहा, हनी और मम्मी जा रही है कहाँ पे, कासगंज। ऑब्वियसली थोड़ा मम्मी भी थोड़ा मतलब कि वो हो चुकी थी, बोर हो चुकी थी, तो मैंने बोला चलो आप भी चली जाओ और हनी भी जा रहे हैं। फिर तो आने का तो मेरा भी था, लेकिन यार मैं सच्ची बताऊं मैं बहुत ट्रैवल कर चुका हूं, मैं थक गया हूं, अब मेरे को आराम करना है, बहुत बहुत आराम करना है। तो मैं और पापा तो यहीं पे रुकेंगे और मम्मी हनी जा रहे हैं, तो मैं इसीलिए इस गाड़ी में बैठा हूं ताकि उन लोगों को एटलीस्ट बस स्टैंड तक छोड़ के आ सकूं। जो बस चल रही है ना यहां से उसकी टाइमिंग हो चुकी है और ये लोग अभी तक आए नहीं, पता नहीं कब आएंगे। Going on holidays, bro. How you feeling, bro? How you feeling? Hey, mama. वैसे हमेशा इधर बैठती है, लेकिन आज सामान है उधर तो वहीं पे है। रेडी टू गो, बोलो जय महाकाल, जोर से बोलो थोड़ा, जय माता दी, जय माता दी। जो भी है लेकिन यही है। सो दिस इज द एग्जिट, जिला प्रांगण, शुभ जननी। ओके हम घर चलते हैं, चल भाई एंजॉय करियो, बाय 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 डार्लिंग। ओके ओए चार्जिंग केबल लिए चल कोई खोल ना भाई, देख लिया यार UPSRTC की जो ये वाली जन ये लगी हुई है, ये अलीगढ़ के लिए ऑन टाइम है भाई, ऑन टाइम 12:30 बजे की, 12:30 बजे लग चुकी है यहाँ पे। या ये सहारनपुर अब जाएगी मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से फिर मेरठ, मेरठ से फिर अलीगढ़, और अलीगढ़ पे लास्ट स्टॉप होगा फिर इसका आगरा। तो इनको छोड़ दिया, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, आराम से सोऊंगा। यस मैं सोऊंगा। कोमल दीदी का ना कोरियर आ गया, राखी और क्या, राखी राखी राखी, हियर्स द राखी, कोमल ने भिजवाई है। हनी तो चला गया वहां पे, अब मैं अपनी राखी इस वाले हाथ से इस वाले हाथ पे बांधूंगा। भाई यार यहाँ के बादल इतने मस्त हो रखे ना भाई, मजा आ जाता है सही में। इसकी हो गया वन पैकिंग, मैं अभी करता हूँ, तो अब इसको खोलने की बारी आ गई है, अब इसकी करते हैं अनपैकिंग कि दीदी ने देखो क्या भेजा है। तो भाई दीदी ने हमारे लिए राखियां भेज दी हैं। ओ भाई रुद्राक्ष भी है, जय महाकाल। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रीडेटर के व्लॉग्स, और आज है राखी, अबे भाई राखी सावंत नहीं, रक्षाबंधन वाली राखी, हाँ हाँ जो कलाइयों में बांधते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं पुरानी बातें, जो की थी भाई अगर आप लोगों ने उज्जैन वाले व्लॉग्स नहीं देखे ना, तो भाई देखो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, उस पे जाओ प्लेलिस्ट खुलेगी और प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारे व्लॉग्स देख डालो। और जैसे कि मुझे बहुत भाई आज सबसे मुश्किल काम ये है कि राखी बंधवाएं तो बंधवाएं कैसे, क्योंकि मम्मी है नहीं, मेरी दूसरी जो बहन है मतलब उत्कर्ष देवी वो भी गई हुई है मायके, सॉरी सॉरी ननियाल गई, तो मम्मी है मायके, मतलब ये हो गया ठीक है। तो आज हम एक नई बहन ढूंढेंगे, बहुत सालों से हमारे साथ थी और हमें पता नहीं था, और मंदिर की पूजा भी करनी है क्योंकि मम्मी तो है नहीं, तो इनकी ड्रेसेस चेंज करनी है और इनको थोड़ा सजना फजना भी, सजाना फजाना भी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम नहा धो के तो इनको कैसे मतलब कि ऐसे ही छोड़ दें।
और लड्डू बर्फी क्या हाल है? क्या बोली बर्फी, लड्डू को राखी बांधने का मन कर रहा है? अरे कहाल बर्फी, तुम्हारा रिश्ता भाई बहन वाला थोड़ी ना है। अच्छा भाई, लड्डू का फेस देखोगे ना तो भाई डरा डरा से घूम रहा है थोड़ा। तो पहले इनको तैयार कर लेते हैं थोड़ा, मतलब इनकी पूजा करके, और फिर हम अपना त्योहार मनाने की कोशिश करेंगे, अपनी बहन ढूंढ के लेके आएंगे। तो भाई लोग, पूजा तो हो गई है और मैंने ये ट्राई किया था लेकिन ये खराब हो गया, ऊपर की साइड से वो ही नहीं बना, क्या कहते हैं, त्रिशूल ही नहीं बन पाया। अब वेट कर रहा हूँ कि लोग वीडियो कॉल उठाए, क्योंकि मैं बहुत देर से उनको ट्राई कर रहा हूँ और वो लोग फोन ही नहीं उठा रहे, ताकि मैं देख सकूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। अभी है ना, खुशी को फोन करना है, कोमल को फोन करना है, मौसी को फोन करना है, मम्मी को फोन करना है, हनी दीदी को फोन करना है, और अभी जो जाने किस किस को फोन करना है, नानी जी का आशीर्वाद चाहिए और जाने सबका आशीर्वाद चाहिए, जितने भी बड़े बूढ़े हैं, बड़े बड़े बूढ़े नहीं, सब जवान है मेरी साइड। तो पापा प्रसाद भी ले आए, एक्चुअली हम लोग भूल गए थे लाना, तो मैंने अभी पापा को भेजा था कि ये लेके आ जाए इनके लिए भी, ऑब्वियसली त्योहार है तो मिठाइयां तो बनती हैं यार। सो फाइनली राखी भी सेलिब्रेट हो गई, पापा मिठाई ले आए थे, मैं सच्ची भूल गए थे हम लोग कल की आज मिठाई लानी होगी। तो फिर जब पापा मिठाई ले गया तब पूजा हुई पूरी, और फिर जब खाना पीना हो गया खाने पीने के बाद हमारी राखी हुई थी, पापा ने राखी को भी सोते सोते हुए मतलब कि राखी बांधी थी। एक्चुअली पापा की रात में ड्यूटी थी तो सुबह आके सो नहीं पाए थे, और फिर थोड़ी जब खाना खा के सो गए थे, फिर मैंने उठाया कि पापा राखी तो बांध दो, फिर उन्होंने है ना सोते सोते राखी बांधी ऐसे। और ये कोमल और खुशी, नहीं कोमल की राखियां हैं, भेजी तो चार थी तो मैंने दो बांध ली, दो उन लोगों ने छोड़ दिया, जो जिसको बांधनी होगी वो बाद में बांध लेंगे। और मेरी खुशी की राखी है ना वहीं पे है, जहाँ पे बड़ी कूल डूड टाइप राखियां आई हैं इस बार, कोमल की ये वाली है, और बाकी खुशी की कूल डूड वाली है ना वहां पे रखी हुई है, वो मम्मी लेके आएंगे तब बांधेंगे अगर मौका मिला तो। तो आज का है, आज खाने में बने थे छोले राजमा, अजीब कॉम्बिनेशन है लेकिन ये दोनों पिंड वाली चीजें बड़ी मस्त लगती है। और गाइस यार मैं बता रहा हूँ, प्लीज 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 वो जो उज्जैन वाली प्लेलिस्ट है ना उसको शेयर कर दो यार, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, इतना तो कर सकते हो भाई, बस तीन चार स्टेप ही तो है, शेयर करना है और जिसको शेयर करना है वहां पे, चाहे स्टेटस पे लगाओ, स्टोरी पे लगाओ या पर्सनली किसी को शेयर करो। और हाँ ग्रुप्स भी होते हैं यू नो, तो अपने ग्रुप पे जाके इस प्लेलिस्ट को सेंड कर दो, क्योंकि भाई सावन ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, तो फिर महाकालेश्वर के भी दर्शन हो जाए तो बड़ी बात है ना भाई।